नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। अपनी ही सरकार में भाजपा नेता बेगाना हो गए हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं तो सरकार उनका ध्यान नहीं दे रही है, जिसका फायदा अधिकारी उठा रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल राय भाजपा नेताओं के साथ फूलपुर चकबंदी विभाग के सीओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ईडीएम को शिकायती पत्र सौंपा। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष व युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल राय की अगुवाई में भाजपाइयों ने चकबंदी सीओ फूलपुर के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजयुमो जिलाध्यक्ष निखिल राय ने आरोप लगाया कि चकबंदी सीओ फूलपुर भ्रष्टाचार से लिप्त है और रुपया लेकर एक पक्षी फैसला तैयार कर रहे हैं। उन्होंने मांग किया कि एक पक्षी आदेश को निरस्त कर पत्रावली की सुनवाई पूर्व निर्धारित तिथि पर करते हुए न्यायोचित कार्रवाई की जाए। फूलपुर चकबंदी सीओ जो है पैसा लेकर इन्होंने एक पक्षीय कार्रवाई की है और यह जो फैसला इन्होंने 9 तारीख को दिया और 9 तारीख को ऑलरेडी मेरी वहां पर एक एप्लीकेशन पड़ी थी मेरे वकील के द्वारा और जब उनको यह बताया गया तो उन्होंने 9 को 8 बना दिया और 9 फरवरी को और फिर उसको उन्होंने 8 फरवरी बना दिया, जबकि 8 फरवरी को सभी वकील लोगों का शोक सभा रखी गई थी, कंडोलेंस था। उसके बाद जो है इन्होंने यह इसकी जानकारी भी नहीं ली कि आज न्यायालय जो है नहीं चल रहा है, आज वकील लोग जो है कि शोक में गए हैं और आज न्यायालय नहीं चलेगा। उसके बाद भी इन्होंने जो है यह लिख दिया कि हमारे उसमें फैसले पर कि यथास्थिति बनाए रखें। और जब मैंने उनसे यह बात पूछी कि सर यह बताइए 9 तारीख को तो मेरा एप्लीकेशन पड़ा था और 8 को जो है न्यायालय बंद था तो आपने दिया कैसे, कहना सर मुझे जब वो हमारे चपरासी ने लाके एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने बताया कि वहाँ विवाद होने की स्थिति है। मैंने कहा उस पर तो ऑलरेडी एसडीएम ने मार किया था कि जो हाँ कब्जा दिलवाने का और राजस्व के द्वारा उस पर हमने आदेश कराया था, तो आपको कैसे पता चल गया। हम मुझे यह पता चल गया कि आपने जो है पैसा लिया था और उस पैसे की ताकत ने आपसे लिखवा दिया कि यथास्थिति बनाए रखे, हड़ताल भी। मैं यह चाहता हूं कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल प्रभाव से आजमगढ़ से क्या कहीं भी उसको जो है चार्ज ना दिया जाए, उसको तुरंत ही सस्पेंड किया जाए। क्या सस्पेंड मिला है? अभी हम लोगों को मिला है कि उनकी जांच कराई जाएगी, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाएगा। नहीं होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, अपने बड़े उच्च जो है पार्टी के संगठन के लोगों को हम लोग ये संज्ञान में लाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के यहाँ भी हम लोग जाने का जो है अपील करेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।